नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि सारे दिल्ली में जब से लॉकडाउन का सिस्टम आया है, जब से कोरोना का वायरस आया है, तब से पूरी दिल्ली पुलिस से लेकर के दिल्ली सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ गरीबों के साथ खड़ी दिखती आ रही है। वहीं समाज सेवियों का भी एक झुंड सा समूह सा लोग जो हैं खड़े मिल रहे हैं लोगों के बीच में, गरीबों की मदद के लिए हर वक्त जो बंदे मदद में आते रहते हैं। कहीं ना कहीं चर्चाओं के विषय तो होना ही था। आप उसी कड़ी में देख सकते हैं सुदेश और रीना को, जो लगातार गरीब बस्तियों में जाती हैं। जी हाँ, ये समर्पण एनजीओ के ऐसी कार्यकर्ता हैं जो लगातार गरीब की बस्तियों में जाकर के पता लगाती हैं कि किनको राशन नहीं मिल पाया, कौन सा ओरिजिनल गरीब है जिसको ये लोग आज भी अछूते रह गए इन सरकार द्वारा। उन गरीबों को गलियों में और सड़कों पर ढूंढते हुए जिस तरीके से ये लोग राशन वितरण का किट दे रहे हैं, जी हाँ, उनका एक राशन किट जो है वो कभी न कभी एक परिवार को दे सकता है 10 दिन तक का भोजन। तो जी हाँ, हम जानना चाहेंगे इस कड़ी में जो जुड़े हुए हैं सुदेश गुप्ता और रीना, जी हाँ, उन लोगों से आप सुन सकते हो क्या कुछ कहती हैं। राशन वितरण किए हैं, करीब सैकड़ों लोगों की लाइन लगी थी, क्या कहना चाहेंगे, कौन सा कहाँ से पर्सनल बांटे थे या एनजीओ है, कुछ जानकारी। हमने एनजीओ की तरफ से बांटे हैं, हमारे एनजीओ का नाम है समर्पण एनजीओ। तो उन्होंने सैकड़ों लोगों को बांटे हैं, कुछ यहाँ बांटे हैं, कुछ पहाड़गंज में भी बांटे हैं, हमने मोतिया खान में भी बांटे हैं। ये लॉकडाउन को देखते हुए लगातार? हाँ, लॉकडाउन को देखते हुए लगातार हमने, मतलब जब से लॉकडाउन हुआ जब से हम बांट ही रहे हैं। हाँ, क्या क्या होता, कितने उसमें रिफाइंड आटा चावल दाल, 2 किलो दाल होती है, बाकी मिर्च हल्दी मसाला चीनी सब कुछ होता है। तो कैसे आपको पता चल जाता है कि आप मूल गरीबों को ही दे पा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी तो बहुत बांट रहे हैं। हम जाके घर घर जाके पूछ के आते हैं, पहले देख के आते हैं, उनका पूछताछ कर लेते हैं, भाई ये गरीब है, इनके पास नहीं है ना, इनका आधार कार्ड से भी कोई लिंक नहीं हो पा रहा, लेने नहीं देते, मतलब ई कूपन इनका बन नहीं पाता है, ये जाते हैं धक्के खा के आ जाते हैं लाइन में लग के। तो इसलिए फिर हमने एनजीओ से बात करी, अपने समर्पण एनजीओ से, तो उन्होंने फिर हमारे कहने से ये राशन भेजा, तो हमने फिर इनको बांटा है। आप भी इन्हीं के साथ में? जी, हम दोनों जने काम करते हैं समर्पण में। इनका नाम रीता है? रीता है मेरा नाम, और मैं भी इनके साथ में काम करती हूँ, और राशन भी हम दोनों मिलके बांटते हैं। तो क्या ये नई दिल्ली विधानसभा है, यहाँ VVIP एरिया है, कालीबाड़ी की एरिया कही जाती है, यहाँ तो गरीब बहुत कम रहते हैं? जी नहीं, कोई कोई गरीब भी, क्या ये लोग रहते नहीं, अब ये मजदूर लोग हैं बेचारे झांसी साइड के, तो ये कहाँ जाएंगे। इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कुछ इधर भी दे देते हैं गरीबों को, तो इसलिए हम इधर भी ले आए थे। मैडम से पूछा हमने, जो गरीब हैं, उन्होंने बोला जो गरीब हैं लाचार हैं जिनके पास कुछ नहीं है उनको देना जरूरी है। ये समर्पण एनजीओ है जो गलियों में और कॉलोनियों में केवल इसलिए घूमते हैं कि जिन गरीबों को दिल्ली सरकार द्वारा ई कूपन न प्राप्त होने के बाद जो राशन नहीं पाते हैं, जो गरीब तबके के लोग सड़क पर घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ती है समर्पण एनजीओ, और वो ऐसे लोगों को पकड़ के उन लोगों के घरे में दे पाती है राशन किट। यानी इनका कहना है कि जिन्हें सरकार नहीं दे पाती है, जो घर में बैठे हैं, जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर लेते हैं, और चिन्हित करने के बाद ऐसे लोगों को बुला करके ये लोग राशन दे पाते हैं।